बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन किया, सर आप बताए क्या यूके में 2024 से मूव करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज आप यूके 19 साल से रहे और लोगों ने आपको बहुत तंग किया, आपसे अच्छा मैं कोई गाइड नहीं कर पाएगा मैं यूके में 2024 मूव करना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपकी हाई नोट वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पर मैं बताऊंगा कि आपको यूके आना चाहिए कि नहीं। आंसर पर इसके जो आदमी अच्छा कमेंट हो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज मेरे पास 5 ट्रेन के वाउचर है और मैं ग्रीन मार्केट बच्चों के लिए खुद का पैसा देशों में जाकर जॉब ढूंढता। तो मेरे YouTube चैनल और इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए। वेलकम टू माय चैनल गैरी टीवी। सबसे पहले आता है रोग्राफ। अगर एक्सपेंसिव की बात करें, अगर आप यूके में 3000 पाउंड कमा रहे हो, एवरेज सैलरी यूके में इतनी होती है, इनके वेयर हाउस में 3000 पाउंड कमा रहे हो, तो आपके एक्सपेंसिव रफली 300 पाउंड का शेयरिंग मूवमेंट आ गया, 100 का खाना 100 का ट्रांसपोर्ट, कहीं ना कहीं आप 2.5 लाख को सेव कर रहे हो। आप बड़े आराम से इंडिया 1.5 लाख भेज सकते हो, इवन की आप विल पैकेजिंग की जॉब कर सकते हो, इवन की आपके पार्टनर स्पेन 2023 तक आप डिपेंड होकर आ रहे थे और पूरा इंडिया में तो जॉब रहना खाली हो गया था, बिकॉज ग्रीन मार्केट के बच्चे ने यूके में स्टडी वीजा लगाकर 10-12 लाख खर्च कर यहाँ पर डिपेंडेंट वीजा लेकर अपना लोन पे करते विद इन 1 ईयर। तो यूके में अगर आपको आना है आना चाहिए। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं, यहाँ पर एवरेज सेविंग में लेबर में 1 से 2 लाख बड़े आराम से हो जाती है। अगर बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब यहाँ आसान से मिल जाती है, बिकॉज वहाँ यहाँ पर 20 आवर काम कर सकते हैं जब यूनिवर्सिटी खुली होती है, और फुल टाइम काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपने फील्ड में भी काम कर सकते हैं। जैसे कोई आर्मी MBA करने आया है या कोई भी कोर्स करने आया है, तो आपको यहाँ पर 20 आवर काम करके आप अपने एक्सपेंसिव निकालोगे। जब यूनिवर्सिटी बंद होती 3-4 महीने, आप कहीं ना कहीं अपना लोन भी हाफ पे कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम काम अलाउड है जब यूनिवर्सिटी खुली और बंद होती है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर लोगों को ट्रीट इक्वली किया जाता है। इवन की बहुत सारी न्यूज आ रही है यूके ने सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 कर दिया है, अब बच्चों को यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी और हेल्थ केयर वर्कर में बच्चे डिपेंडेंट पर नहीं आ सकते, बिकॉज 11 मार्च से वो रूल बन चुका है और यूके स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा पर नहीं आ सकते। ये बात सत्य है। इसके अलावा आप यूके की जॉब साइट दिखाई जा रही है जहाँ पर ग्रीन मार्क के बच्चे आप यूके जा सकते हैं। इसके लिए आपको CV और कवर चाहिए जो मुझसे अच्छा मिलता है, और मैंने यूके में हजारों की जॉब लगा कर दी अपने रिज्यूम से, उसको लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं। आपने मेरे पास आना, मेरी मात्र कॉस्ट 5,000 रुपये और मैं आपके व्यापार नौकरी जॉब अप्लाई कर देता और मेरे पास यूके का सॉफ्टवेयर रिज्यूम बनाने के लिए। तो यूके में आप सब लोगों को ट्रीट इक्वली किया, आपको कोई ये खैर नहीं है कि आपको पुलिस आप पर फॉल्स क्लेम डाल देगी, कोई क्लेम झूठा केस पड़ जाए, अगर झूठा केस भी डालते हैं तो उसको भी सजा उतनी होती है। तो आपको यहाँ डरना नहीं, इवन कि मैंने भी यहाँ पर कंपनी को सू किया था गेट सुनने और मुझे बहुत सारा पैसा मिला था। गाइज अगर आपको यूके आना है, दिस इज़ वेरी इक्वल अपॉर्चुनिटी कंपनी, आपकी माँ के बच्चे आपको इक्वली किया जाएगा और आपको डरने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीनिंग है और आपको कोई भी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं सकती। और पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हर कंट्री की बुरी आती है, यहाँ पर डॉक्टर का वेट है बहुत ज़्यादा है, इवन कि वो आपके लिए फ्री है, आपको महीना ब्लड टेस्ट और स्कैन के लिए वेट करना पड़ता है और 2-2 महीने। पर इंडिया में ऐसा नहीं, आप पैसा पे करते और कल ही जाकर प्राइवेटली ब्लड टेस्ट करते हो और कल ही जाकर आप अपनी स्कैन MRI करा सकते। मेरी भी घुटने प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने 2-3 स्कैन कराई, यहाँ पर 4,000 में MRI 5,000 हो जाती है। तो ये बेनिफिट है कि इंडिया का डॉक्टर सिस्टम यूके से 1,000 गुना अच्छा है। पर यहाँ पर इन्वायरमेंट इतना ठंडा है, अगर आप ठंड से डरते हो आप यूके बिल्कुल मत आना। यहाँ पर 9 से 10 मिनट ठंड रहती है और इन्वायरमेंट इतना ठंडा है कि आप सड़क पर चल भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो घुटन होती है, घर छोटे हैं, अंदर वो क्या कहते हैं डिप्रेशन होती है। अगर आप डिप्रेशन की शिकार हो, आप लोनली नहीं रह सकते, आपको यूके बिल्कुल नहीं आ जाए। और इवन कि आपको उस देश में जाना चाहिए जैसे स्पेन हो गया, जहाँ पर गर्म देश है, और इवन कि माल्टा यूरोपीय कंट्री में और ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर न्यूजीलैंड में, जहाँ पर एक हॉट इन्वायरमेंट पर यहाँ पर वेदर बहुत ही हार्श है। इसके अलावा यूके उन लोगों को नहीं आना चाहिए जो लोग घर के काम से डरते हैं, बिकॉज यूके में आपको घर के सारे काम करने पड़ते हैं, यहाँ पर कोई मेड्स नहीं है। सब्जी काटने से लेकर घर के क्लीनिंग करने के लिए और बार ग्रॉसरी शॉप के लिए और जॉब पर भी जाने के लिए आपको 100% काम करने पड़ेंगे। अगर आप अपने काम खुद से करना चाहते हो तो यहाँ पर यूके आना चाहिए, नहीं तो आप यूके नहीं। मैंने खुद इंडिया यूके में सारे काम किए, यूके 5 घर बनाए, तो काम करना टफ है। पर कई कई बार मैं भी एग्जॉस्टेड, काश इंग्लिश 2-3 हज़ार पे करूँ, घर में मेड जाते हैं मेरे, इंडिया के घर में सारा काम कर जाते, गार्डनर लगा हमारे घर में 2-3 हज़ार में। तो इंडिया में आप अगर आपके सारी 50,000 के इकोप ज़्यादा है तो आपको बाहर नहीं आना, बिकॉज इंडिया में आपको फैसिलिटीज कार घूमने के लिए बहुत कुछ मिलता है, पर वो चीज़ यूके में नहीं। आप यूके में गेड़ी भी नहीं मार सकते, बिकॉज यूके में ठंड इतनी है आप ठंड से कम घट जाओगे। तो गाइस तो ये है कि आप यूके आना चाहिए। अगर आप यूके में 1 साल काम कर लेते हो, यहाँ से USA कहना चले जाओगे, यूके का एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में काउंट करता है। अगर आपको यूके का सीम ही बन गया, आपके सीम कुछ भी लग गया, आपको किसी भी कंट्री का नाता मिल जाएगा। अगर यूके का पासपोर्ट मिल गया, आपको पूरा यूरोप और यूके पास स्ट्रॉन्ग है और इवन की USA कनाडा भी जा सकते हैं। तो सोच के आ रहे हैं दोस्तों, अगर आपको यूके जाना है, पैसा सेव करना है,
आप खुद से काम सारा कर लोगे, आप लोनली फील नहीं करते, आपके अंदर जुनून है अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, तो यूके उन बच्चों को डेफिनेटली आना चाहिए। और यूके ने अभी शुरू कर दिया नए रूल्स, आपको मिलेगा यूके का लॉटरी वर्क वीजा, जहाँ पर आपको 3000 इंडियन सीट्स मिल रही हैं, जहाँ पर ना तो जॉब चाहिए, ना इंग्लिश टेस्ट चाहिए, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस, पर वो खुलेगा 2 दिन के लिए और वो खुलेगा जुलाई में, जहाँ पर आपको फॉर्म्स की दिखाया जाए फिल करना है, उसके बाद 1 रुपया पे नहीं करना। अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया आपको 2 साल का यूके का वन परमिट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको यूके में रिलीजियस वर्क मिल जाता है पाठी या मंदिर में पाठ करने के लिए, तो उसमें भी बच्चे आपके साथ आ सकते हैं और उसमें भी आपकी जो सैलरी है 30 से 35 होगी, जिसको पाठी रिलीजियस वर्कर वीजा बोलते हैं। इसके अलावा अगर केयर वर्कर वीजा बच्चे नहीं आ रहे, अब बच्चों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में आना शुरू कर दिया और आपको यूके की टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनी दिखाई जा रही, और यूके ने अभी रिसेंटली ऐड किया था ब्रिकलेयर कारपेंटर कंस्ट्रक्शन लेबर को अभी ऐड किया था वर्क वीजा में, और इसकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड वो 25 से 30 हज़ार के बीच में है। तो गाइस अगर आपको यूके मूव करना है तो आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी स्किल सीखनी पड़ेगी, चाहे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, ब्रिकलेयर है, कारपेंटर है, इसको सीखिए और इसमें भी बच्चे आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यूके आना चाहिए, ये कंट्री सेफ है, पैसा बनता है, आपकी सीवी भी अच्छा है और आप आगे अमेरिका कहना जा सकते हो। पर अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप कुछ भी नहीं पता, तो यूके का लॉटरी वर्क वीजा अप्लाई कर दीजिए, जहां पर आपको सीवी भी नहीं चाहिए और इवन की मेरी हेल्प, वो सिर्फ चाहिए आपका लक, जो आपके पास आपके माँ बाप का आशीर्वाद है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सीवी वगैरह बनवाना है, जॉब टू ने मेरी हेल्प चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए और मेरी मात्र कॉस्ट 5,000 है, आपके व्यापार में जॉब अप्लाई कर दूंगा। बट ऑन द मेन थिंग इज आप चाह रहे सदा खुश रहें।